नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। एक महीने से ज्यादा समय हो गया है लॉकडाउन को, लेकिन अभी भी लॉकडाउन जारी है। 3 मई तक की तारीख बोली गई है जिसमें सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन कोरोना वायरस से बचने का क्या इलाज मिल गया है, क्या वैक्सीन बनाने का तरीका मिल गया है या फिर इस पर काम शुरू हो गया है? जी हाँ, खबरों की माने तो 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की बात करेंगे, इसराइल की बात करेंगे, ब्रिटेन की, जर्मनी और चीन की बात करेंगे, तो इन 5 देशों ने वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से इन 5 देशों ने काम शुरू किया है, यही कयास लगाया जा रहे हैं कि हो सकता है जून तक इसके नतीजे सामने आ जाए। चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़रूम में मौजूद हैं राजेश शर्मा, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस वैक्सीन पर ये 5 देश काम कर रहे हैं। राजेश, देखिए कोमल, जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा था, तमाम देशों ने इसके आगे घुटने टेक दिए थे, तो इसी को लेकर एक उम्मीद और एक आशा की किरण ब्रिटेन से जगी है, ब्रिटेन में देखने को मिली है। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर जो ब्रिटेन समेत लगभग 5 देशों ने इसके क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में जो पहुंच चुके हैं और क्लिनिकल जो ट्रायल है उसकी शुरुआत ही उन्होंने कर दी है। लेकिन ब्रिटेन ने जो है, ब्रिटेन ने एक लार्ज स्केल पर इसकी शुरुआत की है। लगभग वो 200 जो ब्रिटेन के अस्पताल है वहां पर इसका ट्रायल करेंगे और लगभग 5,000 से ज़्यादा मरीजों पर इसका ट्रायल होगा। तो जो अगर ये जो ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल, ये सफल रहता है तो एक बहुत बड़ा जो कारगर हथियार जो कोरोना वायरस का है वो हमें मिल जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि इससे पहले जो है इसका ट्रायल जानवरों पर हो चुका था जो कि सफल रहा है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ये जो जब इसका ट्रायल इंसानों पर शुरू हो चुका है और जैसे ही इसका ट्रायल अगर इंसानों पर शुरू होता है और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन होगा और कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम की ओर एक कदम और बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपने बोला कि जानवरों पे इन्होंने ट्रायल किया है, ट्रायल लिया है, लेकिन बाद में अब इंसानों पर भी ट्रायल की बात की जा रही है, तो इसके नतीजे जो खबरें सामने आ रही हैं कि जून तक इसके नतीजे आ सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, देखिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये वैक्सीन बनाई जा रही है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, हार्वी प्रोफेसर, वहाँ के संक्रामक रोग विभाग के जो प्रोफेसर है, उनके मुताबिक अगर माने तो अगर इस वैक्सीन का जो ट्रायल है वो सफल रहता है और इसके जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव आते हैं और तो इसका जो परिणाम है वो आने वाले 2-3 महीनों में, 2 महीनों में, लगभग मई या जून, मई के एंड या जून में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ट्रायल हो रहा है, फिर जांच होगी और उसके बाद परिणाम कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। ये जो ट्रायल ब्रिटेन में शुरू हुआ है इसके जो परिणाम है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये सफल रहता है तो लगभग 150 प्रोजेक्ट कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उसमें से 5 देशों को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है, तो उसी में से ब्रिटेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल जो उसने शुरू कर दिया है। और उम्मीद ये है, एक आशा की किरण ये है कि अब कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का खात्मा हमें ज़रूर होता दिख रहा है। कोमल जी, भारत की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर भारत में दिल्ली की बात की जाए तो प्लाज्मा थेरेपी पर ट्रायल लिया गया है, जो 4 मरीज ठीक हुए हैं प्लाज्मा थेरेपी से। जिस तरीके से CM अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उनको इस थेरेपी से बचाया जा सकेगा और जो नॉर्मल सिचुएशन में है उनको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, आपको क्या लगता है आगे चलकर कारगर साबित होगी, क्योंकि अभी तक तो जो 4 ट्रायल हुए हैं वो सफल नजर आए हैं? देखिए, जो प्लाज्मा थेरेपी की अगर बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी देश के पास, तमाम देश में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोरोना वायरस को लेकर 150 प्रोजेक्ट लगभग पर काम हो रहा है जिस पे वैक्सीन बनाई जा रही है और लगभग यही कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से जो कोरोना वायरस का तोड़ हमें मिल सके। तो उसी को लेकर भारत में भी लगातार रिसर्च हो रही है, लेकिन जो क्लिनिकल टेस्ट, जो दूसरा जो स्टेज है कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने का, उसको 5 देश, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इसराइल और चीन, इन देशों को ही क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद जब भारत भी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहा है तो अब
कुछ और हमारे पास अगर विकल्प नहीं है तो दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया है। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी आपके पास पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी इबोला हो गया, पोलियो होगी जैसी जो महामारियां थी उसको लेकर इसका ट्रायल पहले भी हो चुका है, जो उस समय भी सफल रहा था। तो ऐसे में अभी जो कोरोना वायरस को लेकर प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल किया गया है वो भी काफ़ी सफल, जैसा कि आपने बताया कि 4 मरीजों के ऊपर उसका ट्रायल किया गया है और वो सफल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल आगे भी किया जाएगा और लगातार इसको लेकर जो है लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप आगे आए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो उससे आपकी सेहत पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं ठीक उसी तरह से जो प्लाज्मा भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है तो कहीं ना कहीं इससे भी स्थिति कंट्रोल में हो सकती है। जैसे कि आपने कहा डोनेट करने की बात, तो जो ब्लड डोनेट करने की अवधि होती है उसी अवधि में आप 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके खून का 55% भाग होता है। और जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं लोग उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है, जिसको देखते हुए 9 से 10 लोग सामने भी आए जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे चलकर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है कितना काम करती है। लेकिन अब जो लॉकडाउन लागू किया हुआ है, 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया हमारे देश में लॉकडाउन को, तो आपको क्या लगता है, कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन एक पॉज बटन जैसा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना रोकने के लिए लगा तो दिया गया है लेकिन बाद में जैसे ही इसको हटाया जाएगा वैसे ही कोरोना के मरीज बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पॉज का बटन है ना कि एक इलाज। देखिए इलाज ये बिल्कुल भी नहीं है। लॉकडाउन से हम संक्रमितों की संख्या रोक सकते हैं। तमाम जो दुनिया के तमाम देश है, इटली हो गया, जो भी जहां भी वायरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है वहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। जिन देशों में लॉकडाउन को लगाने में थोड़ी सी देरी की गई वहां पर हालात आपके सामने है। इटली में हालात आप देख लीजिए, आप अमेरिका में हालात देख लीजिए, लगातार जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या लाखों के पार जा चुकी है। तो भारत ने जो है समय रहते लॉकडाउन जो लागू किया था, लगभग 30 से 32 दिन आज हो चुके हैं लॉकडाउन को लगे हुए, तो लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा है। तो जो भारत में स्थिति अभी तक कंट्रोल में है वो लॉकडाउन की वजह से है, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे कारगर हथियार सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही है। जितना आप लोगों से दूरी बनाए रखेंगे, शारीरिक दूरी आप बनाए रखेंगे, उतना आप जो संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। तो इसी के लिए लॉकडाउन लगाना बेहद ज़रूरी था। तो अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, तो मैं अभी पिछले कल ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनका बयान सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन उसको हटाना मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन तो आप लगा सकते हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, जो बेहद ज़रूरी था क्योंकि स्थिति जिस तरह से पैदा हो रही थी उसको देखकर वो बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अगर लॉकडाउन को हटाने की अगर हम बात करते हैं तो लॉकडाउन हटाना बेहद मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है क्योंकि देश में अब तक जो कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति कंट्रोल में है, अब तक देश में ऐसा नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस के मामले कम हो गए हो या आने रुक गए हो। अगर आने रुक गए और कम हुए हैं तो आप लॉकडाउन को किसी हद तक हटा सकते हैं या उसमें थोड़ी रियायत दे सकते हैं, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करके कहीं किन्हीं राज्यों में दी भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगभग भारत के 12 से 13 राज्यों के कुछ जिलों में जो है पिछले 15 से 30 या 45 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस का केस हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसे में अगर हम यहां पर लॉकडाउन हटाते हैं तो जो स्थिति कंट्रोल में आई है वो एकदम से विस्फोट होने की जैसे स्थिति पैदा हो जाएगी, जैसा हमें आनंद विहार में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, किस तरह से लोग जैसे ही उनको थोड़ी सी रियायत दी गई या थोड़ी सी छूट दी गई तो लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि उन्हीं की तरह कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों से दूर है, अपने राज्य से दूर है, तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ी सी रियायत दी जाएगी तो वो तुरंत अपने घर में पहुंचेंगे। अगर वो यहाँ पर अभी इन्फेक्टेड नहीं है तो घर जाते दौरान अगर उन्हें कोई भी कोरोना पॉजिटिव या कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलता है या वो उसके संपर्क में आते हैं तो वो खुद तो इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे, लेकिन जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ को भी जो संक्रमण फैलने का खतरा वहाँ पर भी बढ़ेगा। तो ऐसे में लॉकडाउन अभी एकदम से हटाना बहुत मुश्किल है कोमल, और हटाना भी नहीं चाहिए। लोगों को भी इस बारे में समझना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि अभी जिस स्थिति से देश गुजर रहा है या दुनिया गुजर रही है तो वहाँ पर सबको साथ देना होगा और सबको इस जो लड़ाई से लड़ना होगा।
जी, चलिए जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी वैक्सीन पर ही, वहीं अभी भी यही जवाब जानना चाहूँगी, क्या वैक्सीन बनकर आपको क्या लग रहा है, वैक्सीन बनकर जल्द तैयार होगी या इसमें अभी और वक्त लगेगा? जो समय दिया गया है कि जून में इसके नतीजे आ सकते हैं, तो ये समय काफ़ी होगा इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए? देखिए, वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है, और इस क्लिनिकल ट्रायल का सबसे ज़्यादा जो है पहले जो इस्तेमाल युवाओं पर किया जाएगा, जो युवा जो लोग हैं ब्रिटेन में, वहाँ पर इसका ट्रायल उन पर किया जाएगा। अगर उन पर ये ट्रायल सफल रहता है तो फिर जैसे जो बुज़ुर्ग है या छोटी उम्र के जो लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड है, उनके ऊपर इसका ट्रायल किया जाएगा। तो ऐसे में अगर उनके जो रिज़ल्ट जो पॉजिटिव आते हैं, रिज़ल्ट सकारात्मक आते हैं, इस वैक्सीन का जो ट्रायल सफल रहता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि अगर इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको आने वाले एक या दो महीनों में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। अगर इसका नतीजा पॉजिटिव आता है तो जून महीने में परिणाम आ सकते हैं। अगर जून महीने में परिणाम सामने आते हैं और परिणाम सकारात्मक होते हैं, ट्रायल सफल होता है, तो जो उम्मीद और आशा की किरण ब्रिटेन से जगी है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में फैले अंधकार को दूर करेगी, और एक बार फिर से जो आम जनजीवन जिस तरह से हम जी रहे थे, अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोरोना रूपी महामारी का खात्मा होना लगभग उस तरीके से तय है। तो प्लाज्मा थ्योरी को भी हम, थेरेपी को भी हम साथ साथ लेके चले, और वैक्सीन का जो इस्तेमाल है वो भी, उसके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है, और उम्मीद यही है कि जल्द ट्रायल सफल होगा और एक अच्छी खबर हमें बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जिस तरीके से वैक्सीन पर काम कर रहे हैं ये पाँच देश और नतीजों की बात की जा रही है, तो जून का समय दिया गया है कि हो सकता है इसके नतीजे जून तक सामने आ जाएं, क्योंकि अगर ट्रायल सफल रहता है तो नतीजे जून तक ही सामने आ जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, दूसरे चरण में जो ट्रायल पहुंच चुका है, वाकई में कारगर है। अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो इस वक्त हम आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय में जहां सरकार बात कर रही है जनता की मदद करने की, गरीबों तक हर मदद पहुंचाने की, वहीं मजदूर तबके के लोगों की मदद करने की बात कही गई थी जब लॉकडाउन लागू किया गया था, तो कहा गया था, वादा किया गया था कि जनता को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। क्या ये वादे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं या फिर सरकार इसमें सफल हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त विजय मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये जो लॉकडाउन लागू करते वक्त वादे किए गए थे गरीबों की मदद करने के लिए, क्योंकि अगर हम मामले देखें तो जो लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर देखे गए सड़कों पर और बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर लोग देखे गए, भीड़ देखी गई, उनका सिर्फ यही कहना था कि उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, भोजन नसीब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। कई लोग ऐसे थे जो भूख की वजह से जिनकी मौत भी हो गई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोमल, ये कई ऐसे मामले सामने आए हैं देश में जिसमें भूख से कई लोगों की मौत हुई है। जी, तो सरकार को ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी कि लॉकडाउन लगाते हुए हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी इसको लेकर आरोप लगाया है, जैसे नोटबंदी की थी तो इसी तरीके से जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था। अब प्रवासी मजदूर घर की तरफ चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और वे जा भी रहे हैं क्योंकि उनको खाने कमाने का साधन जो था वो बंद है, फिलहाल काम धंधे बंद हैं, तो इसी वजह से उनको घर पर जाना मजबूरी है उनकी। जी बिल्कुल, जैसे कि मजबूरी है, अगर हाल ही का मामला ले लिया जाए तो एक 12 साल की बच्ची जो तेलंगाना से पैदल चली थी, 100 किलोमीटर का सफ़र उसने 3 दिन में तय किया था, और छत्तीसगढ़ में उसका जो गांव था 14 किलोमीटर की दूरी पर उसने भूख से दम तोड़ दिया। सरकार जहां एक तरफ कहती है कि हम अपनी जनता की हर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के लिए ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं और किसी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है लेकिन बीच से जो मदद जनता तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची, या फिर सरकार के वादों में ही कोई कमी रह गई? देखिए, सरकार तो पूरे वादे कर रही है, पूरे युद्ध स्तर पर लड़ रही है इस कोरोना वायरस से, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में भी कुछ भ्रष्टाचार है जिसको हम देख सकते हैं कि गरीबों तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है और गरीबों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। इस फिलहाल पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जहाँ तो अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा,
तो इस बीच कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझना होगा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये लॉकडाउन लगाने का, वो हमारी भलाई के लिए लिया है, लेकिन जो सरकार को जो भूखे पेट सो रहे हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनको रोज़ कमाने खाने का साधन था वही फिलहाल बंद है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया था, उसके बाद वादे किए गए, उसके बाद सरकार को सोचना ज़रूरी है कि क्या उनकी मदद वाकई में जनता तक पहुँच पा रही है, और अगर ये मदद जनता तक नहीं पहुँच पा रही है तो इसका कारण क्या है। क्योंकि अगर सरकार ने योजनाएँ बनाई हैं, शेल्टर होम बनाए हैं, खाने पीने की जगहों की व्यवस्था की है, हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो कमी कहां रह रही है जिसकी वजह से ये इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अगर मामले की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से जो 12 साल की बच्ची का मामला सामने आया है, बता दें कि 2 महीने पहले ये बच्ची तेलंगाना गई थी छत्तीसगढ़ से रोजगार ढूंढने, लेकिन वहां पर जब लॉकडाउन लागू कर दिया गया तो उसके बाद वो वापस आई, 11 लोग करीब उसके साथ थे, भूख से उसके पेट में दर्द उठा, अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, जो भूख थी उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है सरकार के उन वादों के सामने कि क्या सरकार ये वादे करके भूल जाती है कि उनको गरीबों की देखभाल भी करनी है, सिर्फ लॉकडाउन पर ही ध्यान है उनका, क्या सिर्फ घरों को बंद करना ही उनका एक मोटिव बन गया है। जो जनता की मदद करने की बात की गई थी वो बात कहाँ गई, जो वादे किए गए थे वो वादे क्या खोखले हैं, या फिर जो मीडिएटर्स हैं वहीं कोई कमी है जो वादे खोखले करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ इस वक्त पूजा है न्यूज़ रूम करेंगे। जी पूजा, आप यहाँ पर आ जाए। पूजा, आपसे पूछना, जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया लेकिन इसके बाद आपको क्या लग रहा है, गरीबों पर कितना असर इसका रहा, और लॉकडाउन का फैसला किस हद तक सही लग रहा है, क्योंकि इसका कोरोना पर तो देखने को मिला लेकिन गरीबों की जिंदगी पर क्या असर रहा। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के कारण ये जो लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश में और देश को जिस तरीके से बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के गरीब तबके के लोग ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन पीएम मोदी ने 24 मार्च से कहा था कि लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश को, तो उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय सभी गरीब लोग रास्ते पे चल के अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी में यही था कि हम किसी भी तरीके से बस अपने घर तक पहुंच जाएं। उस समय सरकार ने इस तरीके का व्यवस्था भी नहीं किया था कि मतलब गरीबों को खाना दिया जा सके या फिर उनके रहने का कोई व्यवस्था किया जा सके। गरीब एक तरीके से कहीं ना कहीं से एक तो उनकी आमदनी नहीं थी, कहीं से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, और रोजगार ना मिलने के कारण वो अपने दिनचर्या, वो रोजी रोटी, वो अपना कहाँ से लाएंगे। तो ये सब भी कारण एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और अभी भी कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से गरीब लोग मतलब घर जाने के लिए बेचैन थे, या फिर दिल्ली में भी सब गरीब इकट्ठा होकर के घर जाने के लिए कह रहे थे, या किसी तरीके की दिक्कतें उनको है तभी मतलब इस तरीके से ये मतलब वो अपने घर जाने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो वादे किए गए थे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। हाँ, सरकार ने जो वादा किया था कि हम गरीबों को खाना देंगे और उनको पैसे देंगे या फिर उनके पास राशन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तभी ये गरीब तबके के लोग अपने घर जाने के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा देखा गया है कि कही गई हैं बातें कि राशन पहुंचाया जाएगा, मजदूर तबके के लोगों को खाना दिया जाएगा, लेकिन वही लोगों से मांग कर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये है कि लोगों से मांग के खाते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। मुझे लगता है सरकार गरीबों तक खाना पहुंचाने में अभी मतलब सभी गरीबों तक, हो सकता है कुछ चंद लोगों के पास ये खाना पहुंचा दिया जाता होगा या फिर राशन की व्यवस्था की गई होगी, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई होगी किसी जगह पे, या फिर गरीबों को नहीं मिल पा रही होगी जिसे लेकर के वो परेशान है और अपने घर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लोग घर जाने के लिए परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन देश में लागू कर दिया गया है, देश जहां था वहीं रुक गया है, रफ्तार रुक गई है देश की, क्योंकि लोगों से कहा गया है कि जहां वो हैं वहीं रुके, खाने पीने का सामान उन तक पहुंचेगा, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार की ये बातें यहाँ पर खोखली होती हुई नज़र आ रही हैं। इसका कारण क्या है, वो मीडिएटर या फिर खुद सरकार, बातचीत करेंगे यहाँ पर। हमारे साथ न्यूज़ रूम में इस वक्त सपना मौजूद,
हैं। सपना से जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं, जो गरीबों की मदद करने की बात कही गई है उसको लेकर क्या असर पड़ा है लॉकडाउन का। जैसा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से इस चीज़ को कोरोना वायरस की वजह से लड़ रहे हैं, हम सब उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी ये भी नहीं पता है कि हमें कब तक लड़ना है कोरोना वायरस से। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो गरीब लोगों पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी उन सबकी रोज़ी रोटी जिसकी रोज़ कमाने खाने से चलती थी वो तो अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सरकार ये भी बोलती है कि हम मतलब जब भी ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो सरकार ने बोला था कि हम गरीबों की मदद करेंगे, उनके घर तक राशन पहुँचाएँगे, पैसे पहुँचाएँगे। बट अगर वो ये चीज़ कर रही है, वो अपने जिस मदद को लेके बोलती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो अगर वो ये सब चीज़ें बोलती है तो करती क्यों नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रोज़ हम देखते हैं अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इस गरीब की भूख की वजह से मृत्यु हो गई, या फिर अभी जो वहाँ हुआ छत्तीसगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है। तो अगर वो वादे कर रही है सरकार तो उसको ज़रूर निभानी चाहिए, वरना फिर गरीब वाले परेशान हो जाएंगे। जी बिल्कुल, गरीब परेशान हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सपना। जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं उनका साफ कहना है कि लॉकडाउन लगाना सही है, लेकिन इसके साथ साथ गरीबों की जो मदद की बात कही जा रही है उस मदद की ज़मीनी हकीकत परखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सरकार अगर अपनी तरफ से मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, मदद पहुंचा रही है, तो वो मदद जा कहां रही है? क्योंकि पूरी तरह से तो ये मदद गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि अगर ये मदद गरीबों तक पहुँच रही होती तो गरीब यहाँ से वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं होते, वो पैदल यात्रा नहीं कर रहे होते, या फिर भूख से किसी की मौत नहीं हो रही होती। तो अभी भी सवाल यही है कि क्या सरकार पूरी तरह से सफल हो रही है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, या फिर अभी भी सिर्फ लॉकडाउन पर ही ध्यान है, गरीबों के ऊपर नहीं। तो इसका जवाब जब मिलेगा तो एबी स्टार आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन अभी जो संदेश देना चाहेंगे वो यही है कि कोरोना के वक्त आप अपने घरों में रहें, जितना हो सके घरों में ही रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, और जितना आप सक्षम है लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त एकजुट होने में ही सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि एकजुट होकर ही आप कोरोना से जंग जीत पाएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार। कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे।